आगे बढ़ेंगे। बाराबंकी में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। बिजली कटौती से परेशान किसान नेताओं ने आज गन्ना संस्थान में बैठक बुलाई है। बिजली से हो रही दिक्कतों के चलते बिजली दफ्तरों का घेराव करने का ऐलान किया है। किसानों ने उच्च अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया है। हालात नहीं सुधरने पर दफ्तरों के घेराव की भी चेतावनी दी। बरेली से खबर है। बरेली में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया राजमिस्त्री करंट की चपेट में आकर दूसरी मंजिल से सड़क पर गिरा। गंभीर हालत में राजमिस्त्री को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इसका वीडियो भी अब सामने आया है। वीडियो प्रेमनगर थाना क्षेत्र के जहबाई का है। यहां से 11,000 की हाई टेंशन लाइन, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और देखिए किस तरीके से करंट की चपेट में आकर दूसरी मंजिल से सड़क पर आ गिरा ये राजमिस्त्री और गंभीर हालत में अब इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और ये वीडियो भी अब सामने आया है। पूरी ये घटना जो है पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कानपुर में बिजली चोरी करने वालों पर एफआईआर। कटियाबाजों ने कैस्को कर्मचारियों से अभद्रता की थी और इसके खिलाफ बजरिया थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ। कर्नलगंज इलाके में कटियाबाजों के खिलाफ अभियान चला रही थी टीम। ड्रोन की निगरानी से घबराए इन लोगों ने ड्रोन तोड़ने की भी कोशिश की। कैस्को विजिलेंस की टीम और पुलिस की मौजूदगी में दबंगई की गई थी और अब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि लगातार अभियान चला रही है टीम और घबराए कटियाबाजों ने ड्रोन को तोड़ने की भी कोशिश की गई। बिजली चोरों पर ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है लेकिन यहां पर देखिए जो बिजली चोर है उन्होंने ड्रोन को तोड़ने की भी कोशिश की गई, अभद्रता कर्मचारियों के साथ की गई और अब इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। कुशीनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में पुलिस जुटी हुई है। कुशीनगर का मामला, संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। और लखनऊ के गोमती नगर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां छात्र की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। दोस्त के घर में पार्टी करने आया था मृतक आकाश और पैसों के विवाद को लेकर झगड़े में हत्या की गई है। पार्टी के दौरान कमरे में 4 दोस्त मौजूद थे। गोमती नगर से बड़ी खबर, दोस्त के घर में पार्टी करने मृतक आया था और यहां पर चाकू से गोद कर इसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पैसों के विवाद को लेकर झगड़ा हुआ और इस झगड़े के दौरान चाकू से गोद कर आकाश की हत्या कर दी गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।